हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो आज कवर करना है टॉपिक, वो है साउंड्स। गेम में हम किस तरह साउंड्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने गेम्स में काफ़ी अब तक काम कर लिया, हमने चीज़ें मूव करना सीख ली हैं, हमने काफ़ी काफ़ी मेथड्स पढ़ लिए गेम डेवलपमेंट के। लेकिन अभी जो एक टॉपिक था जो जिसके बगैर गेम एक तरह अधूरी रह जाती है, वो है साउंड्स। हम गेम्स में कैसे साउंड्स डाल सकते हैं, और एक गेम में साउंड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके चलने में। क्योंकि अगर आप कोई जैसे कोई गेम को साउंड्स के बगैर खेले, तो आपको मज़ा ही नहीं आता, वो इफेक्ट्स ही नहीं आता साउंड्स के साथ। तो यूनिटी में भी साउंड्स के यूज़ करने का तरीका है, उसको हम कहते हैं, एक कंपोनेंट होता है ऑडियो सोर्स। हमें ये पता है, हमने काफ़ी काफ़ी कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें एक होता है ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट होता है, ठीक है, हमारा स्क्रिप्ट भी एक अपना कंपोनेंट हो सकता है। इसी तरह हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट है ऑडियो सोर्स, जो ऑडियो के लिए यूज़ होता है, सोर्स करने के लिए, ऑडियो चलाने के लिए यूज़ होता है। और ये कि हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑडियो सोर्स लग सकता है, हर गेम ऑब्जेक्ट का अलग ऑडियो सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त ये दो साउंड्स हैं, एक बैकग्राउंड साउंड है, जैसे ये बैकग्राउंड साउंड है, ये चलती है, सिर्फ टैप वाली साउंड, कलेक्ट करने वाली साउंड रखी है, ठीक है। इन दोनों साउंड्स को मैं चलाना चाहता हूँ अपने गेम के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये साउंड्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आऊँगा, जो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो इधर ये मेरा एसिड्स प्रोजेक्ट विंडो है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना साउंड्स का, ताकि मेरे लिए डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। अब ये मेरे लिए दोनों साउंड्स हैं, इनको चलाना है, तो मैं इसको ड्रैग करके साउंड्स के फोल्डर के अंदर ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये साउंड्स के फोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि यूनिटी के अंदर आइकन भी आ रहा है, इसका मतलब ये साउंड्स है, हम उनको यहाँ से भी प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो साउंड्स है। अच्छा, मैंने बताया था कि इसको करने के लिए हमें सबसे पहले कोई कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है, किसी गेम ऑब्जेक्ट को के अंदर अपने साउंड्स डालनी है। तो मैं एक यहाँ गेम ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिसका नाम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसका नाम बैकग्राउंड साउंड गेम ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, वैसे अपने आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने इसको दे दिया, ओके। अच्छा, हमने ये गेम ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसका ऐसे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लिया, जिसका नाम हमने रख लिया वैसे ही बैकग्राउंड साउंड गेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम इस किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपोनेंट ऑडियो सोर्स का ऐड कर सकते हैं, चाहे मेन कैमरे के ऊपर ऐड करना चाहे, और चाहे इस पर करना चाहे, या किसी भी क्यूब को भी लेना चाहे, अगर हम उस पर भी ऐड कर सकते हैं। तो समझा, अगर मैंने ये इसको चाहे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये क्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना एक ऑडियो सोर्स, इसमें चाहता हूँ इस क्यूब के ऊपर एक ऑडियो सोर्स का कंपोनेंट लगा लूँ, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक साउंड कॉल हो। तो मैं यहाँ ऐड कंपोनेंट में जाऊँगा, ऑडियो सोर्स लिखूँगा यहाँ, तो ये मेरा ऑडियो सोर्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अभी ऑडियो सोर्स की ये याद दे रहे कंपोनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ऑडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप वो होता है जो सा आपने क्लिप प्ले करना है, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट जो होती है, जिसके ऊपर आपने मिक्सचर आउटपुट देना होता है, लेकिन ये ज़्यादा हमारे लिए उसमें वो नहीं है, इतना वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे लिए चीज़ें जो डिटेल में है ना, एक तो ये ऑडियो क्लिप, कौन सा क्लिप क्लिप प्ले करना है, प्ले ऑन अवेक। प्ले ऑन अवेक का मतलब ये कि जैसे ही मैं गेम प्ले करूँ तो ये ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाए, अगर इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो ये प्ले नहीं होगा ऑटोमेटिक, इसको फिर मुझे प्ले करना पड़ेगा किसी स्क्रिप्ट के जरिए। लेकिन अगर मैं प्ले ऑन अवेक कर दूंगा, तो इसका मतलब ये कि मैं इसको ये जैसे ही गेम प्ले करूंगा, तो इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑडियो सोर्स है, जो इसके ऊपर क्लिप लगा होगा, वो वाला ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। लूप, लूप का मतलब ये कि रिपीट में लगा रहे, अगर इसको चेक कर दूंगा तो ये रिपीट में चलता रहेगा, अनचेक कर दूंगा तो नहीं रिपीट में चलेगा। प्रायोरिटी राइट या लेफ्ट, हाई या लो। हाई या लो का मतलब ये कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए, राइट साइड में ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी इसकी साउंड, इसकी जो साउंड है इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1, 0 और 1 के अंदर इसकी रेंज होती है। अगर आप 0.4 कर दोगे तो कम, ये कम आवाज़ देगा, 1 कर दोगे तो ज़्यादा आवाज़ देगा। पिच, पिच का मतलब कितना ये स्पीड, कितनी उसकी पिच होनी चाहिए, मतलब कितना वो तेज़ी से बोले और कितनी तेज़ी से साउंड चले, कितनी स्लो। अगर पिच को तेज़ कर देंगे तो तेज़ी से साउंड चलेगी, पिच को कम कर देंगे तो स्लो करके साउंड चलेगी, ठीक है। बाकी आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये साउंड्स के रिलेटेड है, लेकिन जो हमारे लिए मेन प्रॉपर्टी है वो ये ऑडियो के लिए ऐड करना और इसको प्ले करना और उसका वॉल्यूम सेट करना। अगर लूप लगाना तो उसको हम लूप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ ये क्यूब के ऊपर एक लगाया ऑडियो सोर्स का कंपोनेंट। अब ये जो मेरी आवाज़ है कलेक्ट वाली, मैं इसके ऊपर ये प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑडियो सोर्स में सिंपली ये कलेक्ट वाला क्लिप ट्रैक कर दूंगा, ठीक हो गया।
प्ले ऑन अवेक लगाया हुआ है। प्ले ऑन अवेक का मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ऑडियो सोर्स प्ले कर देगा। अब मैं प्ले करूँगा तो ये प्ले करेगा साउंड को, अभी प्ले हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मेरी गेम प्ले हुई है तो ये मुझे इसने साउंड प्ले कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं प्ले ऑन अवेक को कैंसिल कर दूंगा तो अब मैं गेम प्ले करूंगा तो वो नहीं चलेगा साउंड। ठीक है, इसका मतलब प्ले ऑन अवेक के साथ तब प्ले अगर चेक हो तो ये जब मैं गेम प्ले करूंगा तो ऑटोमेटिक साउंड एक दफ़ा प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर प्ले ऑन अवेक अनचेक होगा तो इसका मतलब मुझे स्क्रिप्ट से जाके प्ले करना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कैसे करते हैं। अच्छा, इसको मैं प्ले ऑन अवेक रहने देता हूँ और इसको मैं लूप में कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, वो वाली साउंड ऑडियो दोबारा वो चलती जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये था ऑडियो सोर्स लगाने का तरीका। आप एक और कैमरे के ऊपर भी एक ऑडियो सोर्स लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ कैमरे के ऊपर एक ऑडियो सोर्स लगा देता हूँ ये। ठीक है, ये स्क्रिप्ट बता देते हैं। अच्छा, ऑडियो सोर्स लगाने से पहले एक चीज़ बता दें, हर कैमरे के ऊपर ना एक कंपोनेंट ऑडियो लिसनर पक्का लगा होता है। ऑडियो लिसनर का कुछ काम नहीं होता, बस ऑडियो लिसनर का यही काम होता है कि जो आपने जो ऑडियो प्ले हो रही है ना, वो जो भी है ऑडियो लिसनर, इस कैमरे के ऑडियो लिसनर के जरिए हमारे तक आवाज़ आती है। तो आपने ये वाला कंपोनेंट रिमूव नहीं करना अपने कैमरे से, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है कैमरे की वो रहने देनी है। उसके ऊपर आप ऑडियो सोर्स लगा सकते हैं, लेकिन आपने ऑडियो लिसनर नहीं रिमूव करना। अगर ये ऑडियो लिसनर रिमूव कर देंगे तो वो ऑडियो नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा मैं इसके ऊपर कैमरे के ऊपर चाहे एक ऑडियो सोर्स लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं ये बैकग्राउंड वाला क्लिप रख देता हूँ। ठीक है, प्ले ऑन अवेक रहने देता हूँ और लूप में चला देता हूँ। ठीक है, और इसकी साउंड ना मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 0.5 में कर दिया मैंने। अच्छा, इसके अंदर ये बैकग्राउंड वाली साउंड चलेगी, प्ले ऑन अवेक में चली जाएगी, चल पड़ेगी, और लूप के अंदर चलती रहेगी, तब चलती रहेगी। क्यूब के अंदर मैंने एक और ऑडियो सोर्स लगाया हुआ है। क्यूब के अंदर ऑडियो सोर्स के अंदर एक कलेक्ट की मैंने आवाज़ रखी है और प्ले ऑन अवेक में रखी हुई है। इसको भी चाहे मैं लूप में कर सकता हूँ। तो अब मैं प्ले करूँगा दोनों दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स अपनी एक अलग अलग ऑडियो सोर्स प्ले कर। बैकग्राउंड वाला साउंड क्या वाला कर रहा है, क्यूब वाला कलेक्ट वाली को कर रहा है। अच्छा, अब मेरा ये है कि मैं प्ले ऑन अवेक से हटा देता हूँ, लूप भी हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी क्यूब वाली आवाज़, कलेक्ट वाली आवाज़ है ना, जो ये वाली, ये तब प्ले हो जब मैं कोई की प्रेस करूँ। ठीक है ना, किसी स्क्रिप्ट के जरिए प्ले करूँ। तो इसको अभी देखते हैं, लेकिन अभी मेरा क्या, अभी सेटिंग्स क्या हुई है, मेन कैमरे के अंदर मैंने बैकग्राउंड साउंड रखी हुई है, उसको प्ले ऑन अवेक में लगाया हुआ है और लूप के अंदर लगाया हुआ है। प्ले ऑन अवेक मतलब जैसे ही मैं प्ले करूँगा ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। क्यूब के अंदर मैंने कलेक्ट की साउंड रखी हुई है, ना ही उससे पे लूप लगाया हुआ है और ना ही वो प्ले ऑन अवेक में चलेगी। इसका मतलब जैसे ही प्ले करूंगा तो ये वाला ऑडियो लिसनर नहीं चलेगा। तो अगर अब मैं प्ले करता हूँ तो सिर्फ मेरा एक ऑडियो लिसनर चलेगा जो मेन कैमरे के ऊपर है, वो बैकग्राउंड वाला, सिर्फ ये वाला ऑडियो लिसनर चल रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये अनलॉक, ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला ऑडियो लिसनर जिसके ऊपर साउंड लगी, ये तब प्ले हो जब मैं कोई की प्रेस करूँ, या मेरी गेम में कोई इवेंट आए, या मैं किसी के साथ क्रैश करूँ, या कोई डिस्ट्रॉय हो गेम ऑब्जेक्ट, तब ये कॉल। तो उसको चलाने के लिए हमें जाहिर सी बात है, कुछ भी हम काम करेंगे तो स्क्रिप्ट उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ, प्ले ऑडियो स्क्रिप्ट के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, हम इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ये स्क्रिप्ट इंपोर्ट हो जाती है इधर। अच्छा, अब हमारा ये स्क्रिप्ट आ गया है प्ले ऑडियो स्क्रिप्ट का, जो मैंने लगाया हुआ है, जो मैंने क्यूब के ऊपर लगाया हुआ है प्ले ऑडियो स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं अपनी ऑडियो, ये ऑडियो सोर्स वाला जो क्लिप है ये मैं प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है कि अगर मैंने किसी इसके ऑडियो सोर्स को प्ले करना है तो इसका मतलब मुझे इसका ऑडियो सोर्स गेट करना होगा। ऑडियो सोर्स क्या है, कॉम्पोनेंट। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ कि कंपोनेंट किस तरह करते हैं, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट गेट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे केस में हमने इसका ऑडियो सोर्स गेट करना है, इसी का ही ऑडियो सोर्स करना है जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा गेट कंपोनेंट सही है, ये तो हो गया। अब हमने कौन सा कंपोनेंट गेट करना है, ऑडियो सोर्स का। तो ऑडियो सोर्स, ये मेरा कंपोनेंट गेट हो गया। ठीक है, अच्छा इस कंपोनेंट की टाइप के ऑडियो सोर्स, इसका मतलब मैं किसी ऑडियो सोर्स के पैरामीटर वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इसका नाम है, एक ऑडियो के नाम से मैंने ऑडियो सोर्स का
पैरामीटर वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसी गेम ऑब्जेक्ट का ऑडियो सोर्स मैंने ऐड कर दिया। ये हमने पीछे गेट कंपोनेंट्स का पढ़ा है कि किस तरह फायदा होता है इनका, कि हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑडियो सोर्स तो गेट हो गया, ठीक है। अब इस ऑडियो सोर्स की कुछ फंक्शंस है, वही हम उसके जरिए हम इसके ऑडियो को प्ले करेंगे। तो इसका क्या करेगा, इसका प्ले ऑडियो सोर्स का एक फंक्शन होता है प्ले डॉट, बस ऑडियो डॉट प्ले। तो हम प्ले में क्लिक, इसका मतलब जो भी इसके अंदर क्लिप होगा ना वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को अपडेट के अंदर लगा दूँ, इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, ठीक है, यही वाला मेरा की कोड, जब स्पेस प्रेस हो तो क्या करें, अपना ऑडियो सोर्स गेट करें वो, और उसको एक ऑडियो के ऑडियो सोर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें। और ऑडियो डॉट प्ले का ऑडियो सोर्स का फंक्शन है प्ले करेंगे तो जो उसके अंदर क्लिप पड़ा होगा वो वाला प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ना अभी इसको अब मैं प्ले करके देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन कैमरे वाला तो हमारा ऑटोमेटिक चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है बैकग्राउंड में हमने एक बैकग्राउंड साउंड लगाई हुई है, प्ले ऑन अवेक लगाया हुआ, लूप लगाया हुआ, इसका मतलब ये तो लूप में चलता रहेगा। क्यूब वाला हमें पता है कि हमने इसके अंदर एक कलेक्ट नाम का ऑडियो क्लिप रखा हुआ है, लेकिन वो प्ले ऑन अवेक में नहीं और लूप में नहीं चल रहा, वो तब चलेगा जब मैं स्क्रिप्ट के जरिए स्पेस दबाऊंगा। तो इसका मतलब जो मेरा प्ले ऑडियो स्क्रिप्ट है वो जब स्पेस प्रेस होगा तो ये चलना चाहिए। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑडियो क्यूब का ऑडियो सोर्स कब प्ले हो रहा है, जब ये वाला स्क्रिप्ट के अंदर मैं इनपुट की स्पेस दबाता हूँ और उसको ऑडियो सोर्स का कंपोनेंट कट करके डॉट प्ले कर देता हूँ, ठीक है। ये हम जितनी दफा इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑडियो सोर्स हमारे मेन कैमरे के ऊपर लगा हुआ है जो सिंपल बैकग्राउंड ऑडियो को प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑडियो सोर्स के काफ़ी फंक्शंस हैं, हम उसके ऑडियो को पॉज भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं मेन कैमरे के ऊपर लगाता हूँ, मेन कैमरे की जो मेरी बैकग्राउंड ऑडियो है, मैं चाहता हूँ ये कभी चले, प्ले पॉज वाला सिस्टम करे, तो मैं लगा लेता हूँ इसके ऊपर, मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक स्क्रिप्ट करके एक बना लेता हूँ, ठीक है, जो कैमरे के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, पी दबाऊँ तो पॉज हो जाए और आर दबाऊँ तो रिज्यूम हो जाए, ठीक है। ये मैं चला के देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट पी, पी से क्या हो पॉज हो जाए, और एल्स इफ अगर इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट आर तो इसे रिज्यूम हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा, ये तो बटन इवेंट से गए थे, तो इसका मतलब पॉज रिज्यूम करना है तो मैं किस तरह करूँगा इसे, सबसे पहले ऑडियो सोर्स गेट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऑडियो सोर्स एक बना का बना लेता हूँ ऑडियो के नाम से वेरिएबल, ठीक है। दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कॉम्पोनेंट ऑडियो सोर्स, ठीक है, तो ये मेरा ऑडियो सोर्स ले आएगा। अच्छा, ऑडियो के अंदर एक फंक्शन है ऑडियो डॉट ऑडियो सोर्स का डॉट पॉज, ये क्या कर देगा, उस जो ऑडियो सोर्स चल रहा होगा उसको पॉज कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यही फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन है डॉट रिज्यूम डॉट प्ले, ठीक है, वो हमें पता ऑडियो सोर्स को ऑडियो को ऑटोमेटिक प्ले कर देगा, ठीक है। तो पी से पॉज होगा और आर से ये ऑडियो दोबारा प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा मेन कैमरे के ऊपर लगा हुआ स्क्रिप्ट, अच्छा ये मेरा चल रहा है, अब मैं इसको पॉज करता हूँ, ये पॉज हो गया, रिज्यूम करूँगा दोबारा चल जाएगा, पी से दोबारा करूँगा पॉज हो जाएगा, जब मैं आर प्रेस करूँगा तो ये रिज्यूम हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा अलग चल रहा है और वो ये वाला स्क्रिप्ट जो मेरा क्यूब वाला है ये अलग कलेक्ट की साउंड प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हम ऑडियो सोर्स से अपना कंट्रोल कर सकते हैं ऑडियो को, ठीक है। और प्ले का फंक्शन है, रिज्यूम का फंक्शन है, इसी तरह मैं पॉज की जगह ऑडियो डॉट स्टॉप भी कर सकता हूँ। स्टॉप का मतलब क्या, पूरा स्टॉप हो जाएगी ऑडियो, और प्ले करूँगा वो दोबारा से प्ले हो जाएगी, शुरू से प्ले होगी। पॉज का मतलब था कि जिधर से मैंने पॉज किया हुआ था वहाँ इसी ऑडियो रिज्यूम हो जाता था। तो अब मैं प्ले करूँगा यहाँ, तो हमारे पास अभी चल रहा है साउंड, मैं इसको पॉज करता हूँ, ये स्टॉप हो गया टेक्निकली, और रिज्यूम करता हूँ ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसके ऑडियो को मैं चेंज कर दूँ,
मैं चाहता हूँ ये मेरा जो ऑडियो सोर्स चल रहा है इसके अंदर क्यूब के अंदर, इसके अंदर कलेक्ट साउंड है, मैं चाहता हूँ ये रन टाइम में ना अपने साउंड भी चेंज कर ले, ठीक है? तो मेरे पास एक और साउंड पड़ी हुई है यहाँ रॉन्ग करके, ठीक है? इसको सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये वाली साउंड इसकी चेंज हो जाए, ठीक है? मैंने ये रॉन्ग की साउंड ले ली, ठीक है? अब मैं चाह ये मेरा जो स्पेस है ये कलेक्ट वाली साउंड प्ले करता है जिसकी साउंड ये है, ठीक है? मैं अब रन टाइम में चाहता हूँ इसका ना क्लिप चेंज हो जाए, ठीक है? यहाँ जैसे मैं ये ड्रैग करके यहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ ये कोड के जरिए हो, ठीक है? तो कोड के जरिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऑडियो सोर्स गेट करके उसके क्लिप को चेंज करना पड़ेगा, इस वाले क्लिप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा स्क्रिप्ट है प्ले ऑडियो स्क्रिप्ट वाला जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे इसका क्लिप चेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्लिप चेंज करने से पहले एक मैं ले लेता हूँ एल्स इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोर डॉट सी, सी से क्या करें क्लिप चेंज करें और स्पेस से क्या है वही सी का ऑडियो सोर्स प्ले कर दें। ये एक सिंपल ये क्या करता है ये वाला स्पेस बाय के तो सिंपल वो ऑडियो प्ले करते हैं, लेकिन मैं सी दबाऊं जब तो ये क्लिप चेंज कर दे, एक तरह का कैसेट चेंज कर दे, ठीक है ना? साउंड ऑडियो क्लिप का कोई और चेंज कर दे। तो मैं ये वाला एक ऑडियो रखा हुआ रॉन्ग, तो ये चल जाए। तो इसको सबसे पहले मैं जिसका मतलब इस ऑडियो सोर्स को ये वाला क्लिप देना पड़ेगा, तो उसको देने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लिप लेना पड़ता है, ऑडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, कोई नाम कुछ भी नाम दे दे, मैंने क्लिप दे दिया, ठीक है? अब मैं जो ये इसके अंदर जो क्लिप होगा वो मैं अपने ऑडियो सोर्स को ये वाला क्लिप दे दूंगा, लेकिन इस क्लिप को मैं कैसे कट कर सकता हूँ, इसको कट करने का एक ही तरीका है कि मैं इसको पब्लिक कर दूँ, ताकि मैं ये वाला स्क्रिप्ट ये ऑडियो की एक्सेस मेरे क्लिप की एक्सेस मेरे पास बाहर हो जाए और मैं अपना वो वाला ऑडियो ड्रैग कर सकूँ इसके अंदर। जैसे मैं सेव करूँगा तो अगर मैं अगर स्क्रिप्ट में जाऊँ इसके नीचे वाले तो मेरे पास क्लिप की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब यहाँ ऑडियो क्लिप मैं कोई ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कौन सा ऐड करूँ, ये रॉन्ग वाला, ये रॉन्ग वाला एक ऑडियो क्लिप है ये मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब अब जो इसके अंदर एक कैसेट है या जो क्लिप है इसके अंदर कौन सी साउंड है रॉन्ग वाली, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सी प्रेस करूँ ना तो ये ऑडियो सोर्स अपनी क्लिप अपना क्लिप चेंज कर दे। तो सिंपल सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऑडियो सोर्स गेट करूँगा, ठीक है? ऑडियो डॉट इसके अंदर ऑप्शन है क्लिप की, ठीक है? ऑडियो सोर्स के अंदर इक्वल्स टू क्लिप, तो ऑडियो सोर्स का जो क्लिप है मेरे इस क्लिप के इक्वल हो गया जो मैंने इसके अंदर ड्रैग किया हुआ था क्लिप, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसकी कैसेट चेंज हो जाएगी क्लिप, और जब मैं अगली दफा प्ले करूंगा तो वो वाली जो नई साउंड होगी वो प्ले हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है? तो अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, ठीक है? अच्छा, सी से हमारा क्लिप चेंज होगा, या मैं स्पेस प्रेस करता रहूंगा तो ये मेरी कलेक्ट वाली जो साउंड है ये प्लेस होती है प्रेस होती प्ले होती जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जो हमने लिखा हुआ है जो डिफॉल्ट उसकी क्लिप उसके अंदर पड़ा हुआ है वो साउंड उसके अंदर प्ले होती जा रही है। अच्छा, मैं सी प्रेस करता हूँ तो आपने यहाँ देखना है ये जो ऑडियो क्लिप है ना इधर क्लिप चेंज हो जाएगा। सी प्रेस करूँगा अब उसने क्लिप अपना रॉन्ग सेट कर दिया जो मैंने उसको यहाँ पास किया हुआ था। अब मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो अब मेरी साउंड चेंज होगी, ठीक है? तो हम इसको रन टाइम में साउंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है एक ऑडियो क्लिप जो वो जो जो साउंड प्ले करनी है वो हम पब्लिक करके लेंगे और उसको सी उसको हम किसी ऑडियो सोर्स को गेट करके उसके क्लिप में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये स्क्रिप्ट मैं ड्राइव में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को उसकी थोड़ा रेफरेंस ले सके, ठीक है? और ये हमारे पास अब ये ऑप्शन आ गई है कि ऑडियो सोर्स के जरिए हम मल्टीपल काम करा सकते हैं। बैकग्राउंड अगर ऑडियो चलाना है तो एक ऑडियो सोर्स ले लूँगा, उसके ऊपर प्ले ऑन अवेक और लूप चला लूँगा ताकि वो लूप के अंदर साउंड चलता रहे, ठीक है? अगर मैं किसी में गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑडियो सोर्स लगाना है जो हिट करे तो इसके ऊपर सिंपल एक ऑडियो सोर्स लगाऊंगा उसके स्क्रिप्ट के अंदर, उसका कंपोनेंट गेट करूंगा ऑडियो सोर्स वाला और उसको प्ले कर दूंगा सिंपली। अगर मैंने क्लिप चेंज करना होगा तो उस ऑडियो सोर्स का डॉट क्लिप को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और इनकेस अगर मैंने किसी क्लिप जैसे हमारे बैकग्राउंड गेम साउंड्स होती है कि होम में जब होते हैं कोई और साउंड चल रही होती है, जब गेम प्ले करते हैं तो कोई और साउंड प्ले हो जाती है, तो सिंपली वो क्लिप को चेंज कर रहे होते हैं। तो इसको ये स्क्रिप्ट मैं उसके साथ शेयर कर उसमें ड्राइव में शेयर कर दूँगा ऑडियो सोर्स को किस तरह यूज़ करते हैं ये वाला,
ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना, अगर किसी ने रेफरेंस लेना हो तो वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।